छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। इस बार सरगुजा राज परिवार के सबसे युवा चेहरे और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंह देव के भतीजे एआईसीसी सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव चुनाव मैदान में हैं। ये अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से शुरू कर रहे हैं। अंबिकापुर के सरगुजा राज परिवार के सबसे युवा सदस्य कैबिनेट मंत्री टीएस सिंह देव के भतीजे एआईसीसी सदस्य आदित्येश्वर सिंह देव ने सरगुजा जिले से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से चुनाव पर्चा भरा। जिला कांग्रेस कार्यालय कोठीघर से आम जनों एवं कार्यकर्ताओं के साथ जाकर नामांकन दाखिल किया। इससे पहले क्षेत्र के मतदाताओं से राय ली। आदित्येश्वर शरण सिंह देव को लोग आदि बाबा के नाम से पुकारते हैं। ग्राम पंचायतों का दौरा कर वहां के पारा मोहल्ला में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनसे पूछा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आपके क्षेत्र से लड़ूं? क्या आप सभी का सहयोग मुझे मिलेगा? मैं चुनाव लड़ूं अथवा नहीं? हाँ, कुछ कुछ अपने ही जैसा मामला दिख रहा है, क्योंकि ये सही बात है कि वो आईएएस की भी तैयारी कर रहे थे और इंजीनियरिंग करके, पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में करके कई उनके पास नौकरियों के भी ऑफर थे, ये भी सच्ची बात है। परिवार से भी उनको कहा जा रहा था कि भाई ये राजनीति में कई हो गया, सर्विस सेक्टर में भी देखो, जॉब भी देखो। मुझे लगता है कि यहाँ रह के लोगों से संपर्क में रहने के कारण लोगों का अगर कहीं ऐसा सुझाव आया होगा कि नहीं लड़िए, तो कहीं ना कहीं वो मना नहीं कर पाए होंगे और लोगों से जाके राय सलाह करके अंतिम उन्होंने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में भी समय देना चाहेंगे। आपको बता दें कि आदित्येश्वर शरण सिंह देव अब तक कैबिनेट मंत्री टीएस सिंह देव के प्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच जाकर कार्य करते थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आकर जनता के बीच जाकर सेवा करने का उनका यह पहला मौका है। आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने कैलिफोर्निया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं कांग्रेस के डाटा एनालिस्ट विभाग के संयोजक और विभिन्न राज्यों के प्रभारी भी हैं। रणनीति तो सिर्फ लोगों के बीच रहने की है, अभी भी जाके उनसे ही मेल जोल बातचीत और जितना उनका सहयोग कर सके और उनका सहयोग मिल सके उसी की रहेगी, और जितना हो सके उनके बीच रहने का प्रयास किया जाएगा, यही हम लोग का। वो तो लोग डिसाइड करेंगे, वो तो हम लोग कहाँ डिसाइड कर सकते हैं, वो तो आगे जाके जैसा टाइम डिसाइड करेगा उसमें ही पता चलेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।